हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज डॉक्टर आरती मिश्रा। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो है गैस, अपच, इनडाइजेशन, एसिडिटी, आजकल के लोगों की लाइफस्टाइल, अनहेल्दी डाइट फॉलो करना, सिटिंग पोजीशन में बहुत देर तक वर्क करना या इनएक्टिव लाइफस्टाइल के कारण ये प्रॉब्लम 80% लोगों में देखने को मिल रही है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कुछ बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन की, जिसको लेने से आपकी गैस की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और अगर आपको गैस बन रही है तो वो तुरंत उसमें रिलीफ मिल जाएगा। तो आइए बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की। तो जो फर्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है कार्बोवेज। कार्बोवेज बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको आपने मतलब किसी को अल्कोहल, वाइन या मीट या ऑयली स्पाइसी फूड के कारण गैस की प्रॉब्लम हो गई है, स्पेशली अपर एब्डोमन, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि अपर एब्डोमन में ज्यादा पेन हो रहा हो, साथ में आपको वॉमिटिंग जैसा भी फील हो रहा हो, इसके अलावा बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे हों गैस के कारण और हेडेक भी हो रहा हो, तो आप कार्बोवेज 30 ले सकते हैं। कार्बोवेज 30 बहुत बेस्ट मेडिसिन है फॉर गैस। अगर और आप इसे डायरेक्ट टंग में ना लीजिए, कार्बोवेज 30 आप लाइए, उसको आधे कप पानी में 2 ड्रॉप डालकर उसको आप ले सकते हैं दिन में 3 बार। अगर आपको गैस की ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप उसको, जैसे आप मॉर्निंग में 10 o'clock ले रहे हैं, दोबारा आप 10:30 पे ले लीजिए, फिर इवनिंग में 5 o'clock ले रहे हैं 5:30 पे, और नाइट में 9 o'clock एंड 9:30, ऐसा आप 3 दिन रिपीट करिए। देन इसके बाद आप 10 o'clock, 5 o'clock एंड 9 o'clock 1-1 times लेना है। इसके बाद सेकंड मेडिसिन है चाइना। चाइना जो मेडिसिन है, अगर ये भी बहुत बेस्ट मेडिसिन है अगर आपको पूरे एब्डोमन में पेन हो रहा है, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, इस पिक्चर में इस पेशेंट को पूरे एब्डोमन में पेन हो रहा है, तो आप चाइना ले सकते हैं। अगर आपको आपने कॉफी ज्यादा ले लिया हो या चाय ज्यादा ले लिया हो या दूध के कारण, दूध ज्यादा लेने के कारण आपको गैस बन गई हो, या फ्रूट्स, कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो गैस बनाते हैं वो आपने ज्यादा ले लिए हो, उसके कारण अगर आपको गैस की प्रॉब्लम हो गई हो और आपको बहुत ज्यादा पेन हो रहा हो, साथ में आपको हार्ट बर्न मतलब जलन टाइप की हो रही हो चेस्ट में, तो आप चाइना 30 दिन में 3 बार 2 ड्रॉप डायरेक्ट टंग में इसे ले सकते हैं। देन थर्ड मेडिसिन है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम भी बहुत बेस्ट मेडिसिन है। अगर आपने कोई ठंडी चीजें खा ली हो या आप बाहर गए हों और पार्टी में गए हों, वहाँ आपने ब्रेड से बनी चीजें खा ली हों या कुछ कोल्ड ड्रिंक्स पी ली हों, तो उसके कारण अगर आपको, या ऑयली स्पाइसी फूड ले लिया हो उसके कारण आपको इनडाइजेशन या गैस की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप लाइकोपोडियम 30 में ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लोअर एब्डोमन में पेन हो रहा है, जैसे आप इस पिक्चर्स में देख सकते हैं कि इस पेशेंट को लोअर एब्डोमन में पेन हो रहा है, तो इस पोजीशन में अगर आपको पेन हो रहा हो तो आप लाइकोपोडियम पोडियम जरूर लीजिए। इसके साथ साथ अगर आपको आप मोशन के लिए गए हैं और उसके बाद भी आपको गैस की प्रॉब्लम में रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो आप इस मेडिसिन लाइकोपोडियम 30 दिन में 3 बार 2 ड्रॉप डायरेक्ट टंग में ले सकते हैं। इसके अलावा एक और बायो कॉम्बिनेशन, जो मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि आप एक बायो कॉम्बिनेशन जरूर लें, तो BC25 स्पेशली इनडाइजेशन गैस की प्रॉब्लम के लिए दिया जाता है, तो आप BC25 दिन में 3 बार 4-4 टैबलेट आप आधे कप गर्म पानी में मिक्स करके या डायरेक्ट आप उसको ले सकते हैं 4 टैबलेट। अगर बच्चों को, वैसे बच्चों को ज्यादा गैस की प्रॉब्लम नहीं होती, पर अगर उनको भी गैस की प्रॉब्लम है तो 2 टैबलेट आप दे सकते हैं। इसके अलावा एक मैं सिरप भी अपने पेशेंट्स को देती हूँ। अगर आपको ज्यादा पेट में बहुत ज्यादा गैस बन रही है, साथ साथ आपको पेन भी हो रहा है और
आपको जलन बहुत हो रही है सीने में पेट में, तो आप गैस को एक सिरप आता है उसको लीजिए दिन में 2 बार, ब्रेकफास्ट के पहले 1 चम्मच और नाइट में डिनर के पहले 1 चम्मच। इसके साथ साथ आपको कुछ टिप भी फॉलो करनी होगी ताकि आपकी जो आपको कभी गैस की प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे फर्स्ट है कि अगर आप डिनर या लंच के बाद आप 100 या 200 स्टेप्स जरूर चलें। इसके अलावा खाना खाने के तुरंत बाद पानी ना पिएं, क्योंकि खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीने से पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। तो आप खाना खाने के आधे घंटे बाद पानी पिएं। देन थर्ड, आप रात में डिनर 8 बजे से पहले कर लें, क्योंकि डिनर करके तुरंत सोने से भी गैस की प्रॉब्लम बहुत आम देखी गई है। और इसके अलावा आप गुनगुना पानी पीते रहें अगर आपको बहुत ज़्यादा गैस की प्रॉब्लम है, और 3 to 4 लीटर वाटर आपको पर डे लेना है। एंड आप एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको अपना कोई भी मील स्किप नहीं करना है। जैसे आपको ब्रेकफास्ट भी अपने टाइम से लेना है, लंच एंड डिनर। आप डायरेक्ट लंच नहीं ले सकते या डायरेक्ट आप ब्रेकफास्ट को स्किप नहीं कर सकते, तो आपको हर मील को लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हैं या आपने ब्रेकफास्ट कर लिया, लंच स्किप कर रहे हैं, डायरेक्ट डिनर कर रहे हैं, तो वो भी एक गैस का कारण होता है। तो आप ये कुछ टिप्स को फॉलो करके और होम्योपैथिक मेडिसिन को लेकर और बायो कॉम्बिनेशन भी ज़रूर लीजिए, इसको लेकर आप अपनी गैस की प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर करिए। और मेडिसिन की कुछ क्वेरीज आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।